कितने लोग सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर से 99 वाला ये सारा स्टैटिक जीके का टॉपिक, 1000 जीएस के क्वेश्चन और 1800 वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में बनता है, ये प्रूफ मैंने एमटीएस के एग्जाम में भी दिखाया। सभी बोले कि भैया ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में फंसा है। ये सारे टॉपिक के अलावा ना आपको मैंने जो है, आप बोलिएगा कि भैया इसके अलावा जो है ना, ये रामसर साइट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सत्र हुए, आगामी खेल, जीडीपी, केंद्र मंत्री और उनके निर्वाचन क्षेत्र, टेनिस के जितने भी प्रतियोगिता हुए उसके विजेता, प्लस ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्कर, टोक्यो ओलंपिक के साथ साथ पैरा ओलंपिक, ये सारा पीडीएफ जो है आपको अपडेट कर दिया गया है। तो जितने लोग ने ये लिया था एक बार अपडेट कर लीजिएगा, आपको सारा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो 1000 क्वेश्चन जो एमटीएस में राम बाण प्रसिद्ध हुआ था, ये पीडीएफ भी ना मैं आपको वहां पर डाल दिया हूं। तो एग्जाम में जाने से पहले जिनका जो भी एग्जाम आ रहा है एक बार आप सभी जो है वो पढ़ लीजिएगा। आपको पता है उस स्टैटिक जीके में अनुच्छेद, जनगणना, अभ्यास, आविष्कार, हवाई अड्डा, बांध, नदी, शहर, पंचवर्षीय योजना, इसके बाद से जितने भी योजना है, माप, नियुक्ति, सीमा, महत्वपूर्ण लड़ाई, जितना भी इतिहास में लड़ाई हुआ है, किसके बीच में हुआ है, कौन जीता है, कब हुआ है, महत्वपूर्ण कमीशन, राष्ट्रीय उद्यान, झील, बंदरगाह, या बोल सकते हो भैया, और जो आपको टॉपिक मैंने दिया था यहां पर, रिवॉल्यूशन, विटामिन, पीएच मान, महत्वपूर्ण संसद, गवर्नर जनरल, भारत में प्रथम, नृत्य, हवा, सूचांक, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सारे टॉपिक जो है मैंने आपको डाल दिया है। इसके साथ साथ खेल, खेल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड से जो क्वेश्चन बनते हैं, पॉपुलर न्यूज़पेपर, बुक्स एंड ऑथर, जो इतिहास के इंपॉर्टेंट बुक है, नोबेल पुरस्कार, लोकसभा, उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन, प्रमुख कौन है, इसका मुख्यालय कहां पर है, ये सब मैंने डाल दिया था। जो नया मैंने अपडेट किया है मैंने आपको दिखा दिया। जितने लोग भी जो लिए थे ना एक बार प्लीज आप लोग अपडेट कर लीजिएगा और एग्जाम में जाने से पहले एक बार पढ़ लेना। और जो नए हैं उनको कैसे लेना है, मैं अपने फोन में सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही ओपन करेंगे तो अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड देकर रजिस्टर हो जाइएगा। उसके बाद ओपन होने के बाद ना आप देखिएगा यहां पर ऊपर वाला, इस पर आपको क्लिक करना है या फिर नीचे में दिया होगा ईबुक, देख रहे हैं नीचे में ईबुक, इस पर आपको क्लिक करना है। दोनों में किसी पर भी क्लिक जैसे ही करेंगे आपके सामने तीन चीज खुल जाएगा, स्टैटिक जीके, साइंस का और जीके का पीडीएफ, तीनों पर आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले पर इस पर चुपचाप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बाय नाउ पर, और एक बात, कोई कूपन कोड यहां पर नहीं डालना है आपको, कोई कूपन कोड नहीं, डायरेक्ट बाय नाउ पर क्लिक कर आप सभी जो है ये बाय कर लीजिएगा, ठीक है, 99 में, फोन पे से, पेटीएम से, कार्ड से, जिससे करना है, किसी भी वैलेट से। और पेमेंट करने के बाद 10 सेकंड रुकिएगा ताकि प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपका ये पीडीएफ खुल जाएगा और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं, वो भी आपको दिखा दे रहे हैं। डाउनलोड करने के बाद आप देख रहे हैं आपके सामने सब पर दिखा रहा है व्यू ईबुक, आप किसी पर क्लिक करिएगा। मान लीजिए स्टैटिक जीके खोल कर दिखा रहे हैं, ये खुल गया ना, उसके बाद आप चाहो तो इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं या अपने फोन में सेव भी कर सकते हैं। करना क्या है बाबू, ऊपर वाला ये देख रहे हैं, इस पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके फोन में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको कभी कभी परमिशन मांगता है, स्टोरेज परमिशन, तो स्टोरेज परमिशन दे दीजिएगा अपने फोन में, ये आपके फोन में डायरेक्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं किसी को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है।